अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी किरण। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी एंड यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं रो की खीर। जिनको नहीं पता रो की खीर क्या होती है, उनको मैं बता दूँ, गन्ने के रस की खीर होती है वो। अच्छा, आज हम खीर बना रहे हैं फुल देसी स्टाइल में। मम्मा पहले आग जलाएंगी, फिर उस पर खीर पकाएंगी। सर्दी भी काफ़ी है तो हम आग भी इंजॉय करेंगे, साथ में खीर पकाएंगे। तो वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है, फुल वॉच करिएगा। और आपको पता है, आज बाहर पकाने से हमारी गैस की बचत भी हो जाएगी। तो शाम हो रही है तो हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखें हम कैसे बना रहे हैं। और मुझे वही बोलना है जो मैं हर बार बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चे की जान लेंगी क्या बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम अपनी रेसिपी देखते हैं, लेट्स गो। तो ये पूरा माहौल बनाया हुआ है खीर बनाने के लिए। चेयर वेयर रखी हुई है बैठने के लिए यहाँ पे, और मम्मा आग जला रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मा आग जलाने की ट्राई में है। फाइनली मम्मा ने आग जला ली है। ये पास रो भी रखी हुई है, कूलर में लेके आए थे, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं रो की खीर बना रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 7.5 किलो रो लिए, गन्ने का रस भी बोलते हैं इसको, इसको पंजाबी में इसको रो बोलते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से छलनी से छान लूँगी, ये कचरा वगैरह होता है इसमें, जब गन्ने का रस निकालते हैं तो कचरा निकलता है। रो को हमने छान लिया, अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी। देख देखो, अब इसको कितनी देर पकने के लिए रखो? अब हम इसको उबाल आने तक ना मुंह इसका खुला छोड़ के ढक्कन के बगैर ही इसको पकाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर से मैल उतारनी है, जो इसके अंदर गन्ने के रस के अंदर कचरा वगैरह होता है ना, वो मलाई जैसी तय आ जाती है ऊपर इसके, जब पकाते हैं मोटी सी तय आती है तो उसको हम बोलते हैं मैल। तो वो उसको उतारेंगे, फिर कलर इसका ठीक हो जाता है, कचरा वगैरह निकल जाता है इसमें से। वो मैल उतारेंगे उसके बाद इसमें हमने चावल डालने हैं, ढक्कन ही इसके ऊपर लगाना, मुँह इसका ऐसे रखना खुला ही। तो अब हम उबाल आने तक वेट करते हैं। हाँ, उतनी देर में आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ, आप वो देखिए। ये देखें, इसके ऊपर तय सी बन गई है ना, जैसे मलाई आ जाती है दूध के ऊपर, वैसी तय। इसको मैल बोलते हैं, ये सारा कचरा इसका गन्ने के रस का, इसको निकाल लेंगे। अभी जो ही ये गर्म होती जाएगी तो इसके ऊपर मलाई ज़्यादा बनती जाएगी। ये अभी तो ये स्टार्ट है, अभी और ज़्यादा आएगी, ज़्यादा गर्म होगी तो ज़्यादा, जैसे ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है इसमें, ज़्यादा गर्म होगी तो ज़्यादा कचरा ऊपर आ जाएगा। गर्म होने देते हैं, नहीं तय जमती है तो फिर मैं उतारती हूँ। मैल उतारने के लिए ना, ज़्यादा मैल उतरे खट्टी चीज़ डालते हैं, खट्टा दही थोड़ा डालते हैं या लस्सी डालते हैं। तो मेरे पास लस्सी तो नहीं थी, तो ये मैंने दही था थोड़ा सा, वो मैंने डाला इसमें, और इससे ना ज़्यादा मैल उतरेगी इसकी।
यहाँ पे हम वेट कर रहे थे खीर के बनने का, उसकी एक लेयर आने का ऊपर, तो मम्मा को नहीं पता है खीर बना रही थी मैं। मैं वैसे ही बिहाइंड द सीन वीडियो बना रही थी, बहुत खूबसूरत सीन लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा व्यू था, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी। ये देखे मैल की तय आ गई है इसके ऊपर दोबारा से, अब ज्यादा मोटी वाली तय आई है। ये देखें जी, आंखों में धुआं जाता तो अभी इसकी एक और तय आनी है, वो भी उतारनी है। ये तीसरी दफा मैं उतारने लगी हूँ, देखिए कितना कचरा इसके उतर रहा है ऊपर से। कचरा नहीं उतारेंगे तो खीर की खूबसूरती नहीं बनेगी, सारी ब्लैक ब्लैक गंदी सी। ये देखो कैसी तय आ रही है इसके ऊपर मोटी मोटी। अभी इसमें उबाल शुरू नहीं हुआ, जब तक उबाल नहीं आता तब तक हम उतारते जाएंगे, ये कचरा उतरता जाएगा। मैल बहुत ज़्यादा आ रही है इसके ऊपर। चांद भी निकल आया था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैं नहीं चाहती कि आप इतना खूबसूरत नज़ारा मिस करें। तो ये क्या हो रहा है, ये जैन मूंगफली निकाल रहा है खीर में, मूंगफली और किशमिश डलेगी तो ये जैन ने मूंगफली पकड़ ली थी, मैं निकालूंगा तो जैन निकालने में लगा हुआ। बहुत मज़ा आ रहा था, आग भी इंजॉय कर रहे थे हम साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। ये चावल मैंने पहले से 1.5 गिलास चावल धो के रख लिए थे, इसको अच्छी तरह से ऐसे मैंने तोड़ लिया, कणियाँ बन गई हैं इसकी, फिर जल्दी घुल जाते हैं। ये रोह हमारी काफ़ी साफ हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा मैल उतारी है इसके ऊपर से। ये दूध में जो चावल डाल के दूध और चावलों की खीर बनाते हैं ना, उसी स्टाइल में ये बनती है, उसी तरह इसमें चावल डाल के ना, जैसे दूध को पकाते हैं इसी तरह हम रोह को पकाएंगे। चावल मम्मा ने डाल दिए, हाँ चावल डाल दिए, अब ये स्लो स्लो पकेगी तो चावल इसके अंदर घुल जाएंगे। धुएं से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना, बहुत धुआं लग रहा है। ये जो मैंने कचरा उतारा है ये एक दफ़ा दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें कितना ज़्यादा कचरा उतरा। खीर हमारी पकना शुरू हो गई है, देखें चावल मैंने डाल दिए हैं, ये पक रही है, ये इसी तरह पकेगी और ये चावल आस्ता आस्ता गाल के तो घुल जाएंगे। अभी इसको बहुत टाइम लगेगा,
थोड़ा ही टाइम रह गया इसके पकने में, ये चावल गल चुके हैं। ये ऊपर करके दिखाई ना, धुआं नजर नहीं आ रहा। अभी मिक्स होने हैं चावल इसके, टूटेंगे, मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगी चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली, हाँ ये मूंगफली डाल रही हूँ ना, किशमिश डालती हूँ अभी। ये किशमिश, खीर हमारी तैयार हो गई है। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं चावल रो के अंदर, खीर बिल्कुल रेडी है। अब मैं उतार के इसको डिश आउट करूँगी। खीर डिश आउट हो गई है और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी बनी है। और ये दही के साथ खाई जाती है मोस्टली, ये नाश्ते में खाई जाती है सुबह के टाइम। अच्छा, ये खीर हमने कल शाम को बनाई थी और मैं अभी सुबह नाश्ते में ट्राई करने वाली हूँ। मैं गर्म गर्म नहीं खाती हूँ, मैं इसे नाश्ते में ही खाती हूँ, तो मैंने ट्राई नहीं की थी, मैंने टेस्ट नहीं की थी और मैं अभी खा रही हूँ। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ और मैं इसे दही के साथ खाती हूँ। देखिए, हम सब दही के साथ खाते हैं। इट्स टू मच यम्मी, बहुत ही मज़े की है और सर्दियों की बेस्ट रेसिपी है ये। इनफैक्ट मैं तो वेट कर रही होती हूँ कि सर्दियाँ आए और मैं गन्ने के रस की खीर खाऊँ। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी रेसिपी है और यूनिक रेसिपी है ये। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।